गुड मॉर्निंग बच्चों, प्रश्न नंबर 3, हर का ल सा लेकर के सरल कीजिए। फर्स्ट प्रश्न, 5/12 धन कोष्ट में ऋण 7/16। यहाँ हम देख रहे हैं हर जो है एक में 12 है, दूसरे में 16 है, हर बराबर नहीं है। इसका लघुत्तम निकालने के 12 और 16 का यानी हर का कैसे लघुत्तम निकालते हैं देखिए। 12 और 16 दो से कटेगा, 2 × 12 2 × 16 फिर 2 से कट रहा है, 2 × 3 = 6 2 × 4 = 8 फिर 3 से काटें, 3 × 3 4 नहीं कट रहा, 4 फिर 2 से कट रहा है, 2 × 2 = 4 फिर 2 से कट रहा है, 2 × 2 = 2 तो 2 × 2 = 4 4 × 3 = 12 12 × 2 = 24 24 × 2 = 48 यानी इसका लघुत्तम जो है 48 हो गया। हर लघुत्तम में जो है हर से हम भाग दे देंगे 48 में 12 12 × 48 4 बार गया, इसमें हम अंश में 4 से गुणा कर देंगे, 5 × 4 धन। फिर 48 में 16 से 16 × 48 अब इसमें जो है ऋण 7 × 3 फिर है बराबर, ये आपका लघुत्तम 48 है, 5 में 4 से हम गुणा कर देंगे, 5 × 20 हो गया धन। कोष्ट में ऋण 7 × 3 = 21 बराबर ये हो गया 48। 20 यह धन है और यह ऋण है, धन और ऋण में गुणा करते हैं तो ऋण हो जाता है 21। ऋण 21 में हम 20 घटा देंगे तो हो जाएगा ऋण 1/48 आंसर, ऋण 1/48। अब है प्रश्न नंबर 2, देखिए प्रश्न नंबर 3 का दूसरा है, कोष्ट में ऋण 3/11 धन कोष्ट में ऋण 4/33 है। इसमें देख रहे हैं कि हर जो है ऋणात्मक है, इस ऋणात्मक को जो है हम धनात्मक में बदल देंगे तो ऋण 1 से गुणा कर देते हैं, ऋण 3 × ऋण 1 / ऋण 11 × ऋण 1 धन कोष्ट में ऋण 4/33 बराबर, ऋण में ऋण से गुणा करेंगे तो धन हो जाएगा 3 × 3 फिर ऋण में ऋण से गुणा करेंगे तो धन होगा, 11 में 1 से गुणा करें तो 11 होगा धन कोष्ट में ऋण 4/33 बराबर। अब देख रहे हैं 3/11 है, धन और ऋण में गुणा करेंगे तो ऋण हो जाएगा 4/33। इसमें हर बराबर नहीं है, हर बराबर करने के लिए जो है हम लघुत्तम निकालते हैं, 11 और 33 का जो है हम लघुत्तम निकालेंगे तो 11 नहीं कटेगा 3 से, उसको उतार लेंगे, 11 × 3 = 33 फिर 11 कट रहा है,
ग्यारह कम ग्यारह, ग्यारह कम ग्यारह, ग्यारह में तीन से हम गुणा कर देंगे, ग्यारह तीन 33 हो जाएगा, 33। लघुत्तम में हम इसे हर से गुणा भाग दे देंगे, 33 में 11 से, 11 तीन 33, तीन बार गया तो 3 × 3, अरे अंश में जो है 3 से हमने गुणा कर दिया, अरे 33 में फिर हर से भाग देंगे, 33 × 33 तय हो गया 4 × 1 बराबर 3 × 3 से गुणा करेंगे 3 × 3 9 हो जाएगा, ऋण 4 × 4 = 33। अब घटा देंगे 9 में से ऋण 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 5 / 33, आंसर यही हमारा निकला 5 / 33। यह होमवर्क करके रखे रहिएगा, जब मांगेगा तो उसको लेकर के आइएगा। देखिए यह होमवर्क पहला है 3/4 धन कोष्ट में 3/4 ऋण 4, फिर से सुनिए 3/8 धन कोष्ट में 3/4 कोष्ट बंद, दूसरा है कोष्ट में 5/6 कोष्ट बंद धन कोष्ट में 4/5 कोष्ट बंद, तीसरा है कोष्ट में 7/21 कोष्ट बंद धन दूसरे कोष्ट में 3/7 कोष्ट बंद, चौथा प्रश्न है 4/5 धन कोष्ट में 3/4 कोष्ट बंद। यह जो है घर पर होमवर्क कर करके इसके रखे रहिएगा, जब मांगेंगे तो उसको लेकर के आइएगा।